वालेकुम यार मेंबर्स कोई ऑनलाइन अवैध नहीं हुआ पता नहीं मुझे अभी मैं थोड़ा नींद में हूँ फुल टोन में सोया हूँ आज यार चैट चूट हो रही है हो पा रही देखना यार नहीं वगैरह आ गए सॉरी यार मैं मैंने आना चार बजे तक मैं सो गया था ये तो पता नहीं किसी के मैसेज से मेरी आँख खुली है तो मैं माधर चलता हूँ यार पता नहीं मैं रात को हल्के जल्दी सोया था आजकल नींद ही बड़ी आ रही है मौसम थोड़ा बेहतर हुआ ना अगर ठंड ठंडक हो तो बंदे तो को, तो को बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है और वैसे फिर मैं मेरे से बड़ा तो काम चोरी कोई नहीं मेरी माँ कहती थी कि बहुत बड़ा काम चोर है <laughs> मैं सोया रहता था कॉलेज नहीं जाता था, था। <laughs> अच्छा जी आज बड़ा बड़, बड़े इंपॉर्टेंट उम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज तकरीबन तकरीबन ये जो फंडामेंटल न्यूज़ है इसका जितना भी जो हवा है उसका हलवा बना देना हमने जो रह गया चैट और है जी पता लग गया मुझे सात मिनट और देते हैं लोग ऑनलाइन आ जाए जो जिनको नहीं पता था और फिर हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे हमने उस दिन पहला जो इसका पार्ट पढ़ा है जो मैंने अभी तक एडिट भी नहीं किया यार क्या मैं अल्लाह बनाऊँ एनी वेज उसको करते हैं हम अभी ठीक उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो भी हम रिवाइज़ कर लेंगे और आगे कभी काम चालू रखेगा पीपल दे जा रे कद

कहाँ तक पहुँचे है? हैं आ गए सारे लोग तकरीबन तो छः ही आए हैं ये तो रोल लाइन करता तो सच कोई सॉन्ग सुना दे मैं आपको रेशमा लगता हूँ कोई सॉन्ग सुना दे आपको लगता है मैं मेरे अंदर कोई हमारा अरशद की रूह आ गई है क्या वो रेशमा टाइप हूँ मैं भाई बस थोड़ा बहुत अब बाथरूम सिंगिंग कर ली ख़त्म काम आगे गाल बताओ और ग्रुप में पता भी है लोगों के मैं आया हूँ कि नहीं जानो वो है खैर पता ही नहीं है किसी को सोई भी कौम हमारी चलो ठीक है दफा करो ने हमला काम स्टार्ट करते हैं जी फंडामेंटल एनालिसिस का जो पार्ट वन हमने पढ़ा था उसका पार्ट टू है ये ठीक है जी उसमें हमने थोड़ा सा कुछ पढ़ा था लेकिन चलो उससे पहले एक अनाउंसमेंट दोबारा कर देते हैं जो लोग ये पहली बार भी अक्सर लोग ये पहली बार वीडियो देखेंगे उनको पता ही कुछ नहीं है कि क्या तमाशा चल रहा है दुनिया में वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो अगर वो पाकिस्तान में बैठे हैं और मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनको ऐसे नंबर डायल करना पड़ेगा और अब वो मुझे मैसेज कर देंगे कि भाई सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें व्हाट्सएप ग्रुप में डालने के लिए ये दो चीज़ें चाहिए आपकी सेल्फी और आपकी आई कार्ड की कॉपी आपकी सेल्फ़ी और आपकी आई डी कार्ड की कॉपी जो ये नहीं देगा वो बेशक किसी और ग्रुप में जाए हमें कोई परवाह नहीं है उसके अलावा यहाँ पर दो नंबर और हैं पाकिस्तान के ही हैं उनको आप जॉइन उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको ग्रुप में ऐड कर दें और उन्होंने भी आपसे सेम ही बात कहनी है उन्होंने भी आपसे पैसे मांगने आपकी आईडी कार्ड की कॉपी और वो मांगना है उन्होंने आपसे ठीक है जी आप फ़िलहाल एक ही नंबर लिख लें दूसरे का नंबर निकालने का बट टाइम नहीं है और ये हो गया व्हाट्सअप अच्छा जो लोग बहुत ही पहली बार आ रहे हैं कुछ पता नहीं है उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जिस चैनल के ऊपर अभी आप हम मुझे सुन रहे हैं मेरी बकवास उसी की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएं आप अगर न्यू भी हैं आपने बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं सीखा क्योंकि यहाँ मार्केट में लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि किसने क्या सिखाना है और कुछ लोग सिखा भी रहे होते हैं मार्केट में लेकिन उनको ख़ुद ही पता नहीं होता कि वो क्या सिखा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि सीखते रहना चाहिए नंबर वन और नंबर टू के सही जगह से सीखना चाहिए अगर आपको लगता है कि मैं सही से समझाता हूँ तो आप क्या करें कि प्ले में जाएँ जिस चैनल के ऊपर अभी आप बैठे ना यूट्यूब पर जहाँ पर मुझे सुन रहे हैं किसी ना किसी ने आपको वीडियो भेजी होगी इस चैनल को जब सब्सक्राइब करके आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहली प्लेलिस्ट है है इन उर्दू पहले आप वो वॉच करेंगे फिर आप वॉच करेंगे फॉरेक्स एडवांस लेवल्स फिर तीसरी में ये फंडामेंटल है जो भी है तो इस तरह आप हमें ढूंढ सकते हैं हम पढ़े थे फंडामेंटल एनालिसिस भाई या इसे इकोनॉमिक कैलेंडर भी कहते हैं यानी कि न्यूज़ न्यूज़ आती रहती हैं आगे तबाहियाँ फेरती रहती हैं और हमें तंग करती रहती है और ये अरसे से ही लोग इस बारे में सोचते थे कि काश पता लग जाता तो मैं ये कर देता मैं वो कर देता कुछ यहाँ पे गुरु बैठे हैं मार्केट में जो आज जो अपने ग्रुपों में बता रहे होते हैं आज ही गोल्ड पे मैं आज, आज आपके अकाउंट को चार मरतबा मल्टीप्लाई करा दूँगा पाँच मरतबा सब बकवास है फुदों को खुद नहीं पता कि न्यूज़ पर ट्रेडिंग करनी कैसे है बस वो ज़रा सा देखते हैं उनको स्पाइक यहाँ का नज़र आता उधर के सौ दस बीस पिप लगवाते हैं अस्सी पिप तक लगवा के तो बेसिकली न्यूज़ की जो फंडामेंटल न्यूज़ है वो एक वसी समंदर है उसके लिए आपको उस कम उस कंपनी की मशहूरी समझनी पड़ेगी उस कंट्री की इकोनॉमिक समझनी पड़ती है और एक बात याद रखो कि ये ऐसा बिजनेस है कि ये तजर्बा नहीं है कि भाई मैं करके देखता हूँ मैं करके देखती हूँ शायद कुछ बन जाए ओ पाई ये प्रॉपर स्टडीज़ है ये प्रॉपर तरीके से समझना है समझ के ही आगे चलेगा काम ऐसा अदरवाइज नहीं चल सकता काम आगे यानी कि इसको वाकई समझ के करना पड़ेगा ये रंगबाजी नहीं होगी अच्छा हमने पिछले लेक्चर में एक बात पढ़ी थी अब चूंकि ये पूरा एक बज गया हमने लेक्चर में पिछले बात पढ़ी थी कि सेंट्रल बैंक एक ब्ला का नाम है सेंट्रल बैंक और उस ब्ला के दो काम हैं नंबर पहला काम है उसका कि इन्फ्लेशन को रोकना कंट्रोल में रखना ठीक है जी कंट्रोल में इन्फ्लेशन को, मतलब को कंट्रोल में रखना इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई उर्दू में हम इसे कहते हैं महंगाई ठीक है महंगाई को कंट्रोल में रखना नंबर दो नौकरियां देना नौकरियां देना ठीक है जी अच्छा अब वो महंगाई को कंट्रोल रखना महंगाई को टो टू परसेंट के नेड़े तेड़े रखना होता है उन्होंने सेंट्रल बैंक का काम है कि महंगाई को दो परसेंट के नेड़े तेड़े रखें और उस दो परसेंट के नेड़े तेड़े रखने के लिए ना उनको जो एफर्ट करने पड़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी निकालनी पड़ती है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली जिरगे को कहते हैं हम जिरगा जो पठानों में जिरगा होता है ना जिरगे को कहते हैं यानी कि थड़ा मीटिंग हम पंजाबी में कहते होते थे थड़ा मीटिंग ऐसी चार पांच दोस्त नहीं बैठते होते थे बैठते थे महल में किसी नए बंदे ने आ, कोई बंदा नया आया में आ जाता था तो सारे बैठ के उसके बारे में बातें बदखोइया करते थे बुराइयाँ करते थे कि और सा महल च नवी फैमिली आई है करो बाहर नहीं निकलते मेरी अम्मी ने खीर खिलाई सी उन्होंने वापस दे खा दी खादी नहीं बस इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें वो डिसाइड करते हैं कुछ पॉइंट्स पॉइंट्स ये होते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है कम हो रही है अगर बढ़ रही है तो क्या करना है कम हो रही है तो क्या करना वो बुरी बात तो कूँ फॉरेक्स की जो जो न्यूज़ है ना ज़्यादातर नबे परसेंट वो सेंट्रल बैंक के इर्द गिर्द घूमती हैं बस सेंट्रल बैंक के ऊपर नज़र रख ली आपने तो आप कामयाब है सेंट्रल बैंक पूरे मुल्क की करेंसी को ठीक और खराब करने का ठेकेदार होता है ये बता दूँ आपको हर मुल्क का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और हर मुल्क के सेंट्रल बैंक के चीफ का एक अपना ही नाम होता जैसे बैंक ऑफ़ जापान होता बैंक ऑफ जापान मैं इस हल्का से इसलिए आपको रिवाइज कर रहा तो पिछली बार कोई नहीं अटेंड कर सकता यू एस ए का क्या था यू एस ए के बैंक को सेंट्रल बैंक कहते हैं सेंट्रल बैंक या बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ही कहते हैं ए यू डी जो करेंसी है हमारी उसको कहते हैं रॉयल सॉरी रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर बी ए जब भी देखोगे तो तैयार है ना आर बी ए लिखा आएगा जब भी ठीक है जी और आपका जो न्यूजीलैंड है करेंसी उसके रॉयल बैंक रॉयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो क्वीन यहाँ पे हमारे मलका यहाँ की है वो उनकी भी है रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड फिर बैंक ऑफ जापान हो गया ऊपर कनाडा का बैंक है बैंक ऑफ कैनेडा बी ओ सी और जी बी पी ऑफ कोर्स आर बी रॉयल बैंक ऑफ आर बी एर बी रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड या इसको बैंक बी ओ भी कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड एक दो और भी वर्ड हैं इसके ठीक है जी ये बैंक्स होते हैं कि अपने अपने मुल्क के ठेकेदार होते हैं इनका काम होता है कि अपने मुल्क को सवारें या सुथराएं अब उसके बाद हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी वो थी इन्फ्लेशन महंगाई होती क्यों है अच्छा जी अब आपने गौर से सुनना है क्योंकि आज का टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे तक जाना कि सेंट्रल बैंक क्या करता है कि उसका दो काम है एक नौकरियाँ देना और एक इन्फ्लेशन को रोक के रखना ठीक है जी और नौकरियां देने के लिए तो वो भी ए, बेसिकली उसका काम ही होता है उसका नज़र होती है कि वो नौकरियों पर नज़र रखे कि मुल्क के अंदर नौकरियां दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही और दूसरी इन्फ्लेशन को रोकना महंगाई उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंसर्न होता है ना वो महंगाई पर होता है कि महंगाई रुक जाए किसी तरह इन्फ्लेशन का हमने उस दिन एक छोटी सी बात पढ़ी थी इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो करेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता कुछ लोगों ने उस दिन सवाल का जवाब बड़ा किसी को बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि एकदम समझ आ गई और वाकई उन्हें समझ भी आई थी जो इन्होंने इतना खुश होकर बोले थे ना कि समझ आई है क्योंकि उनको उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया था देखें मैंने कुछ दिन मिसाल दी थी कि महंगाई महंगाई का एक फॉमूला इन्फ्लेशन होती कब है इन्फ्लेशन तब होती है जब मुल्क में पैसा बहुत हो एक बंदे के पास पैसे हैं अब मैं कुछ तस्वीरें इस बार मैंने तस्वीरें बनानी है अपनी गंदी गंदी यहाँ पे ताकि जो थोड़े तरीके से समझा सकूँ ये सर्कल है ठीक है जी ये एक सर्कल कहते हैं ना वो एक भावर है लोगों के पास पैसे हैं वो परचेजिंग में लगाएंगे हम उर्दू में खर्च कहते हैं खर्चेंगे तो महंगाई होगी और महंगाई होगी तो सेंट्रल बैंक अंदर आ जाएगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्पेंडिंग इसे कहते हैं लोग हम उर्दू में ऐसे कहते हैं कीमतों का ऊपर जाना हमारे पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक को स्टेट बैंक कहते हैं आपको ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अच्छा ये एक छोटे सर्कल कि ऊपर सारा कुछ चल रहा होता हमने एक बात उस दिन डिस्कस की थी कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को लागू करता है महंगाई रोकने के लिए किसी ने पूछा था कि सर ये महंगाई को रोकने के सेंट्रल बैंक का क्या रिलेशन है देखिए जी लोगों के पास पैसे सबसे पहले कनेक्शन है आपस में इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट रेट और इं, इंटरेस्ट रेट को लागू करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनी जाती है थड़ा मीटिंग होती है जिस थड़ा मीटिंग फैसला के अंदर फ़ैसला किया जाता है भाई हमने इंटरेस्ट रेट लगाना कि नहीं लगाना और सेंट्रल बैंक ये बात कि भाई हमने इंटरेस्ट रेट लगाना है नहीं लगाना है कैसे पता लगती है उसे वो भी मुल्क की न्यूज़ को वैसे ही सुन रहा होता है जैसे हम और आप सुन रहे होते हैं वो भी मुल्क के अंदर जो हो रही होती है ना बगैरती है उनको देख रहा होता है क्योंकि उसे पता लगाना होता है कि आखिर जा रहा है मुल्क ठीक है उस बात को पता लगाएगा तो वो करेगा ना कि करना क्या है इस वक्त उसको कैसे पता लगेगा सेंट्रल बैंक को सिर्फ कैश फ्लो का पता लगता है इंटरेस्ट रेट लगाना है उसने मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर हर चीज़ पर वो नजर रखता है जिसकी बेस पर वो फैसला करता कि हाँ भाई काम आगे खतरनाक है अब एंड इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से हमारी हमने उसे डिस्कस किया था इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से करेंसी स्ट्रांग होती है हल्का सा हम इसको रिवाइज करेंगे और बड़े मजबूत तरीके से इंटरेस्ट रेट अगर सेंट्रल बैंक बढ़ा दे तो कहते हैं कि जी करेंसी उस मुल्क की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी यानी कि हमारे लफ्ज़ों में जो आप और मैं जानते हैं कि अगर यू का इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है ऊपर चला गया है तो यू ऊपर चला जाएगा हम तो सीधा सीधा ऐसे कहते हैं ना वो ऊपर जाने लगा आप है यू एस डी आप क्यों आप है उसके पीछे थोड़े से कुछ वजूहत होती हैं वो हम देखते हैं अभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से यू करेंसी कैसे स्ट्रॉन्ग होती है वो इस तरह होती है कि देखें जी यू ने आज फैसला किया कि हमारे पास जो सौ पाउंड हमारी करेंसी में जो सौ डॉलर डालेगा उसे दस परसेंट मिलेगा वापस यानी कि सौ का दस टेन बन गया जब यह ख़बर मार्केट में आई कि मैंने सुना कि ओए यूएसडी ने मतलब एक न्यूज़ निकाली है कि अगर हमारे बैंकों में सौ डॉलर या हमारी करेंसी में सौ डॉलर लाते हो तो दस डॉलर वापस मिलेंगे महीने बाद या साल बाद तो हम लोगों ने जा के क्या किया कि बैंक में पैसे डलवा दिए मेरे पास जो छोटे थोड़े पैसे थे टोटल मेरे पास हज़ार था चलो मैंने डाल दिया बैंक में इससे क्या हुआ मेरे पास से पैसे बैंक में सेव हो गए मैंने पैसे खर्चना बंद कर दिए बाहर अब मैंने तो ये ख़बर सुनी थी मैं तो एक आम नॉर्मल गली में लेगा बंदा हूँ ये बड़े बड़े बाकी बैंकों ने जो दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं स्विस बैंक हो गया बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया ऑस्ट्रेलिया उन्होंने भी कहा अच्छा यू एस यू एस ए ने तो बड़ी गेम डाली है उन्होंने कहा डालो बिलियन ऑफ डॉलर यू एस ए में प्रॉफिट निकालो यहाँ से तो मिलियंस और बिलियंस उठाए उन्होंने अपने अपने और डाल दिया अमेरिका अमेरिका के बैंकों में डालने का प्लान कर लिया जी अमेरिका के बैंकों में डालना है और अमेरिका की करेंसी पे लगाना है उन्होंने क्योंकि भाई अमेरिका के अंदर बैंकों में पैसा दे रही है अमेरिका के बैंक उन्होंने प्लान कर लिया कि अमेरिका में पैसा डालना है अमेरिका भाई बहुत पैसा दे रहा है अपने इंटरेस्ट रेट सूद की शराब बहुत ज़्यादा जो अपने बैंकों के पास गए ना उन्होंने कहा पैसे निकालने तो बैंकों ने कहा चलो निकलो बगैर तो तुम तो पैसे तो क्डन लगे हो अमरीका में पैसे भेजने के लिए उनके बैंकों में डलवाने के लिए तो तुम्हें अमेरिका की करेंसी के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा हाँ 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 ये तो बात हम भूल ही गए थे उन्होंने अपनी जो मुल्कों की करेंसियाँ थी उनको डॉलर में कन्वर्ट करवाया और फिर अमेरिका के बैंकों में पैसा जमा करा दिया उससे क्या हुआ सीधी बात है उनका डॉलर बिकना शुरू हो गया जब डॉलर बिकना शुरू हो गया करेंसी अब चली गई करेंसी अब चली गई ऐसे होता है इसका बैकग्राउंड ये इसका बैकग्राउंड है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से करेंसी के ऊपर जाती है वो इस तरह जाती है आप आज आलू की टमाटर की जो पाकिस्तान में डिमांड बढ़ जाती है शुगर की शुगर मिल ने शुगर पीछे से काम कर दी थी लोगों ने शुगर खरीदना शुरू कर दी बहुत ज़्यादा क्योंकि अब खत्म हो रही थी उसकी प्राइस कहाँ चलेगी वो तीन सौ को हिट करके आई है ना क्यों क्योंकि मार्केट में थी नहीं आज शुगर की रेल पेल कर दो मार्केट में चीनी जिसे कहते हैं उर्दू में उसकी रे, रेल पेल कर दे मार्केट में उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी इसी तरह होता है किसी चीज़ की प्राइस ऊपर इसलिए जाती है उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है ये तो इंटरेस्ट रेट से करेंसी ऊपर क्यों जाती है इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से करेंसी ऊपर क्यों जाती है वो बात की है हमने अच्छा जी अब हम आते हैं इंटरेस्ट रेट हमने उस दिन पढ़ लिया था मैंने आप हल्का सा फिर एक्सप्लेन किया किसी का कोई इंटरेस्ट रेट जब पहले भी किसी ने लेक्चर सुने होंगे घर में बैठे किसी का कोई सवाल सवाल तो नहीं है ये कौन मेरे मुंह से निकलता बेगैरत इंसान जी बी बी का एनालिसिस पूछ रहा लाना था तुम्हारे शक्ल के ऊपर यार तुम्हारे जैसे लोगों की जैसे ना डिले इसको बाहर निकालो यार इसे इधर से बेगैरत इंसान अहमद द मिडिलमैन मैन खुस रहे हो वाकई तुम बाद यहाँ पे कोई और करने के लिए बंदा टाइम निकाले तो ये आगे से रंगबाजी शुरू कर देते हैं अच्छा पता ही नहीं उन्हें कि यहाँ पे क्या हो रहा है आगे अपने सवाल पूछ रहे हैं ये तो था इंटरेस्ट रेट की बात हमने की थी कि करेंसी इंटरेस्ट रेट से ऊपर की जाती है अब स्टेट बैंक का काम होता है कि स्टेट बैंक दो परसेंट के इर्द गिर्द रखे अपने मुल्क के महंगाई की शरह को ठीक है इंटरेस्ट रेट को और उसको रखने के लिए उसे सारा दिन और सारी रात उसके एजेंट्स बैठे होते हैं स्टेट, स्टेट बैंक के सीईओ के वो इसी तरह न्यूज़ को देखते रहते हैं कि मुल्क में क्या क्या चल रहा है कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर स्टेट बैंक की ना बड़ी गहरी नज़र होती है और आ, उन की पॉइंट्स को देखते हुए फैसले करता है कि उसने इंटरेस्ट मोनिट्री पॉलिसी में क्या बकवास करनी है उन्होंने ठीक है वो जो जिरगा बैठता है उनका हर दो महीने बाद तीन महीने बाद उसके अंदर उन्होंने क्या बातें डिस्कस करनी है अब एक बात और याद रखो कि जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती कुछ चीज़ों की आज के चार्ट में ज़रूरत होती है कुछ चीज़ के कुछ चीज़ों की जैसे कुछ टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीज़ों की आज ज़रूरत है आज के चार्ट में ज़रूरत है और कुछ चीज़ों की जरूरत जैसे फेबनाची हर चार्ट में नहीं लगती इस तरह हर हर न्यूज़ पे हर महीने ट्रेड नहीं हो सकती हर फंडामेंटल को हर वक्त यूज़ नहीं कर सकते आप हर फंडामेंटल का के हिंट से अंदाज़ा लगा के टेक्निकल को यूज़ कर सकते हैं उसको हमने करना है आज के चैप्टर में फ़ौरक से फंडामेंटल के बहुत मेन मेन पॉइंट डिस्कस हो जाने हैं तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल आ जाएगा ऑफकोर्स तो रोज हर मरतबा एक न्यूज़ आए और वो आपको समझ आ जाए ज़रूरी नहीं है आपने अपने मतलब की न्यूज़ सुननी है जिस न्यूज़ में आप फैंटास्टिक हैं यानी कि एक बंदे को ट्राई एंगल में ट्रेड करना आता है मैं मिसाल देने लगाऊँ ये छोटी छोटी टिप्स नहीं आ देती हैं ये ट्राई एंगल का बड़ा मास्टर है वह बंदा इसको ट्रेड करने का बड़ा मास्टर है ठीक है जब तक वो ये नहीं ट्राई एंगल बनेगा वो ट्रेड नहीं करना चाहेगा वेरी गुड अच्छी बात है उस जिस चीज़ में मास्टर है उसी से ट्रेड करे अब यहाँ पे राइजिंग वेज बन रहा है उसने नहीं ली ट्रेड स्केर बन रहा है नहीं ली कुछ हार्मोनिक पैटर्न के होते हैं लोग मास्टर बैड बैड पैटर्न बनते हैं ये वो तो आप न्यूज़ के ऊपर जब तक तो ग्रिप ना ले लें आप न्यूज़ के न्यूज़ ट्रेडिंग में आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता न्यूज़ से करना कैसे ट्रेड करनी कैसे होती है वो अलग तरीका न्यूज़ ट्रेडिंग अलग तरीका अच्छा जी हमने इंटरेस्ट रेट पढ़ लिया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट अगर इसको ना ऐसे करता हूँ एक पिक्चर ये वाली संभाल लेना थोड़ी सी बल्कि मैं खुद भी आपको भिजवा दूंगा भजन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से करेंसी भी ऊपर जाती है करेंसी भी ऊपर जाती है ठीक है करेंसी भी आप होती है और करेंसी ऊपर होने से हाँ प्राइस ऊपर जाती है और चूँकि करेंसी ऊपर होती है तो फिर इन्फ्लेशन कम हो जाती है महंगाई जिसे कहते हैं महंगाई मैं ब्रैकेट में लेकर रहा हूँ महंगाई कम हो जाती है अब इस फॉर्मूले के पीछे क्या कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर बताने लगे हैं दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा इंटरेस्ट रेट की शराह गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो लोग पैसे ला के बैंक के पास रखवाएंगे तो हम लोग उनको दस परसेंट एक्स्ट्रा देंगे करेंसी की वैल्यू ऊपर गई हमने एक्सप्लेन कर दिया कि करेंसी की वैल्यू ऊपर क्यों जाती है महंगाई कम हो गई क्यों हुई महंगाई कम महंगाई ज़्यादा इसलिए होती है कि लोगों के पास जब पैसे आते हैं मेन पॉइंट ये है इसका ये तस्वीर ले लेना ले यार स्क्रीन ले लेना ले ले इसके लोगों के पास पैसे आए लोगों ने क्या किए पैसे खर्चना शुरू किए मार्केट में पैसों का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई जब चीज़ें महंगी होना शुरू हुई तो सेंट्रल बैंक को होश आई या चीज़ें तो महंगी हो रही हैं कुछ करो कोई ऐसा पता बैंको मार्केट में कि पैसों चीज़ों की जो महंगाई है कम हो जाए सेंट्रल बैंक ने फॉरेन इंटरेस्ट रेट निकाला भाई हम पैसे बढ़ा रहे हैं अगर आप लोग पैसे बचाएं और हमारे पास लेकर आए हम आपको उस पर प्रॉफिट देंगे लोगों ने कहा तेरी खिलाया लोगों ने पैसे बाहर मार्केट में खर्चना बंद किए ला कर सेंट्रल बैंक के पास रखवाए और बाकी मुल्कों में लोगों ने भी लगवाए बाकी मुल्क के बैंक्स ने भी रखवाए लेकिन आम नॉर्मली वो किया लोगों के लिए जाता है अपनी आवाम के लिए किया जाता है आवाम ने पैसे सेव करना शुरू कर दिए पैसे जब मार्केट में खर्चना बंद हुए मार्केट में प्राइसेस वापस अपनी औकात पे आ गई ठीक है जी अब नया टॉपिक जो आज का स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अच्छा इसके बाद अगला टॉपिक हमने पढ़ा था एफ ओ जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर सेंट्रल बैंक की बड़ी नज़र होती है गुर्बत कितनी को गुर्बत है अनएम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल बैंक ये देखता है कि अगर तो गुरबत आ तो ठीक है अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है ना बहुत ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही हैं नौकरियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं नौकरियाँ मिल रही हैं तो क्या होगा लोगों के पास पैसे आएंगे ठीक है जी <laughs> पैसे आएंगे लोगों के पास लोग जाके बाहर पैसे खर्चेंगे अब उनका उन्होंने कहाँ कहाँ खर्चने हैं वो भी आगे पढ़ने लगे हैं पैसे पैसा खर्चेंगे जब पैसा खर्चेंगे तो महंगाई होगी महंगाई होगी तो स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक को सेंट्रल सी भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे सेंट्रल बैंक को कुछ सोचना पड़ेगा महंगाई को अब मैं वो क्या करता है सेंट्रल बैंक जब नौकरियां निकलती है ना तो वो न्यूज़ को देख के रख लेता है कि इस बार इतनी नौकरियां निकली हैं ताकि उसे पता होता है तीन महीने बाद इस नौकरियां जो ये लोगों ने पैसे बनाना शुरू किए ना ये नौकरियां मिली हैं इन्होंने तीन महीने बगैरती करनी है इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ाना पड़ना या कुछ ना कुछ करना पड़ा है कंट्रोल करने के लिए अच्छा जी ये हो गया हमारा नौकरियों के ऊपर जो सेंट्रल बैंक की नज़र होती है अब आ गए कुछ मेन की पॉइंट्स जिसके अंदर सेंट्रल बैंक नज़र रखता है उस नज़र का उस जैसे ये नौकरियों वाले मामले पर रखता है उन पर भी रखता है ताकि उसे पता एवरेज अर्निंग्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका मतलब होता है एक बंदा यानी कि मैं मेरे साथ शेबी हो गया या रिफत हो गई या जेबी चौधरी हो गया मोहसिन जहूर हम सारे रहने वाले हैं एक मुल्क के एक बंदा टोटल पैसे कितने बनाता है मह, मह, महीने के तौर पर माहवारी माहाना तौर पे एक बंदा पैसे कितने बनाता मिसाल के तौर पे मैं सौ रुपया बनाता हूँ हर महीना और मेरा एक दोस्त है जंगीर तरीन वो बारह रुपये बारह सौ बनाता तो वो क्या करते हैं वो डिवाइड डिड करके देखते हैं पर मही एक मुल्क की जितनी भी पॉपुलेशन है नब्बे लाख पचास लाख सत्तर लाख अस्सी लाख पाँच करोड़ दस करोड़ एक बंदे की एवरेज इनकम क्या है तो मिसाल के तौर पे पता लगा कि एवरेज इनकम दस रुपये है एक बंदा महीने में दस रुपये बनाता है अभी गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने हम इस न्यूज़ को समझ रहे हैं ये की पॉइंट आते होते हैं आपने देखा ना एवरेज अर्निंग लिखी भी आती हैं वो कहते हैं ज़रा पता लग के बताओ कि एक महीने में एक बंदा कितने रुपये कमा रहा है दस रुपये अच्छा सेंट्रल बैंक ने ये लिख लिया अपने पास कि जनवरी के महीने में एवरेज अर्निंग जो है दस रुपये अब आया जून का महीना मिसाल के तौर पे सेंट्रल बैंक के बंदे बैठे हुए थे टीवी को देख रहे थे क्योंकि उन्होंने यह पता लगाना है कि हमने न्यूज़ चेक करते रहना है कि पता लगे इंटरेस्ट रेट कहाँ पर जा रहा है या नौकरियाँ कहाँ जा रही एकदम खबर निकली गवर्नमेंट ने निकाली कि हमने कैलकुलेशन की एजेंसियों के थ्रू कैलकुलेशन कराई है जो एवरेज अर्निंग थी ना वो पंद्रह रुपये हो गई है सेंट्रल बैंक के तोते उड़ जाएंगे लोगों ने जो एक बंदा एक वक्त में दस रुपए कमा रहा था वो पंद्रह रुपए कमाने लग गया क्या होगा पैसे आ रहे हैं ना उसके पास वो जाके पैसे खर्चेगा देखो ये घुमा फिरा के ऐसा मजा आने वाला ना इधर वो खर्चेगा जाके पैसे वो खर्चेगा तो महंगाई बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी तो सेंट्रल बैंक के तोते और उड़ेंगे सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा तो क्या बनाना पड़ेगा मोनिट्री पॉलिसी मोनीटरी पॉलिसी के अंदर फैसले करेंगे वो मोनीटरी पॉलिसी में पॉइंट्स डिस्कस करेंगे मोनिट्री पॉलिसी में वो वो छः सात पॉइंट डिस्कस करते हैं और ये सारी न्यूज़ें हम पढ़ने लगे हैं यही डिस्कस करते हैं वो मोनिट्री पॉलिसी लाने पड़े मोनिट्री पॉलिसी एक घंटे के लिए बगैरती होगी मार्केट में जब मोनिट्री पॉलिसी आती है तो एक घंटा मार्केट हा ठा अप डाउन अप डाउन ठीक है मैं आप लोगों के माइंड बना रहा हूँ कि आप लोग किस किस चीज़ से घुराते आएं आपको घबराहट ना हो तो एवरेज अर्निंग समझ आ गई है जिस चीज़ को आ गई हाथ खड़ा कर दे भाई जल्दी से कर दे टाइम नहीं है यहाँ तक एवरी जर्निंग तक समझ आ गया काम पहला पॉइंट था एवरेज अर्निंग्स जो की लेवल्स होते हैं ना स्टेट बैंक ने सेंट्रल बैंक ने रखे होते हैं उनके अंदर पहला एवरेज अर्निंग्स है और भी हैं अभी हम लगे आज आज के चैप्टर में उड़ा देने हमने वो अगर किसी को बहुत टाइम लग रहा है जवाब करते कि उन्हें समझ आएगी तो मैं ज़रा सिगरेट पीने के मोड में आ रहा था लेकिन समझ आ गई अच्छा जी अब आ गया दूसरा पॉइंट रिटेल सेल्स रिटेल सेल्स अच्छा ये रिटेल सेल्स क्या होती हैं यार हम जो करना स्टोर नहीं रोज़ के जूरियात अशिया जो हमारी होती हैं उर्दू मेरी बहुत खराब होती जा रही है माजर चाहता हूँ हम जो छोटी मोटी रोज़ की शॉपिंग करते हैं अंडे दूध चीनी वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ों की से परचेजिंग करते हैं ठीक है रिटेलर से लेते हैं जो छोटे करियाने स्टोर से लेते हैं क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती है वो जाके चेक करती है कि रोजमर्रा की जो खरीदो फरोख्त में कोई इंक्रीज आया या डिक्रीज आया बढ़ी है या कम हुई है सेंस बनती है ना अगर तो बढ़ी है तो क्या हो रहा है <गण> लोगों के पास पैसे हैं अगर कम हुई है तो लोगों के पास पैसे नहीं है अगर रिटेल सेल्स बढ़ रही हैं इसकी एक लिमिट होती है मैं मुझे देखा था मैं नोट्स में मैं इसको इस बात को बाद में डिस्कस कर लेंगे लेकिन मैं पहले ये बता देता हूँ रिटेल सेल्स अब एक एजेंसी है गवर्नमेंट की उसने क्या फ़ैसला किया कि जाके सारी दुकानों से डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर हम न्यूज़ में सी पे या बी में या जिस मुल्क की न्यूज़ है हम आप बता देंगे कि जो एक दुकान वाले की सेल थी ना पहले बारह की होती थी बारह की ठीक है जी रिटेल सेल्स बारह की थी सेंट्रल बैंक ने बंदा बिठाया बंदा चेक कर रहा है वो रिटेल सेल्स ना 1350, 1380 की हो गई हैं सेंट्रल बैंक ने कहा ओ तेरी खैर वो देखो आम दुकान पे ख़रीद फरोख ज़्यादा हो गई है इसका क्या मतलब है वहाँ पे एक छोटा सा जेंट बैठा था नया ने आया था उससे पूछा अब इसका क्या उसने कहा जी इसका मतलब सर ये है कि लोग छोटी मोटी चीज़ों की ख़रीदो ज़्यादा कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक ने कहा फिर उसका क्या मतलब हुआ सर जी उसका मतलब हुआ महंगाई हो जानी है ये अंडे ब्रेड वग़ैरह गोश्त वगैरह बढ़ जाना तो फिर हमें क्या करना चाहिए हमें रेडी रहना चाहिए अगले तीन महीने में कोई भी इंटरेस्ट रेट के बारे में मॉनिटरी पॉलिसी थड़ा मीटिंग करनी पड़ेगी और थड़ा मीटिंग करने के लिए हमें जो पॉइंट डिस्कस करने हैं उनमें ये वाला पॉइंट भी ऐड कर दो उसने कहा रिटेल सेल्स आ गई समझ यहाँ पे मैं उर्दू में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि रोज़मर्रा की अशिया की खरीदो फरोख्त यानी के सर्फ अंडे ब्रेड मुर्गी खोता और गोश्त वगैरह लोहरियों को खोता ही समझ आना था इसलिए मैंने लिख दिया गोश्त वगैरह ठीक है जी मैं भी लोहरिया हूँ लेकिन मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं रहता था जब वो खोता नहीं उस वक्त खोता नहीं बिकता था वहाँ पे मैं इसलिए मैं थोड़े अच्छे हालात में हूँ आ गया जी यहाँ पे भी समझ आ गया ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया इस पॉइंट के बाद तो ब्रेक बनती है भाई क्योंकि दिमाग को चलाने के लिए सुबह का पहला सिगरेट नहीं पिया मैंने अभी आप लोग फिर भी अगर कोई समझ नहीं आई पॉइंट या अगर यार, यार मेरे से सवाल इस टॉपिक के बारे में पूछो ना मैं माइंड नहीं, नहीं करता ये ना कह देखो सर गोल्ड का एनालिसिस बताएं मैं एक मिनट में सिगरेट पी के आया लेकिन मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ मेरे हाथ में ही है फ़ोन उस पर आता है नजर आप लोग बता दें तो मैं अपने आपको वेलकम बैक कह देता हूँ अगले पॉइंट को हमने अब डिस्कस करना है आवाज क्लियर है अब मोहिन आ गई आवाज मोइन को पता नहीं था कि मैं ब्रेक में गया हूं लो जी किसी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो सबसे मोटा रोल होता ना वो एक और पॉइंट आ गया है, वो है ड्यूरेबल गुड्स <laughs> ये क्या चीजें हैं ये हमारी ख़वातीन को बहुत अच्छे से पता है कि बंदे से काम कैसे कराना ये होती है वॉशिंग मशीनें, फ्रिज टीवी, वी कार दे ए सी अब हम लोग वॉशिंग मशीन क्यों ख़रीदते हैं दो वजूहत होती हैं वॉशिंग मशीन मशीन फ्रिज वगैरह ड्यूरेबल गुड्स वो जो ज़्यादा अरसा चलने वाली होती हैं चीज़ें एक तो वो तब खरीदी जाती है जब बिल्कुल ही पट्ठा बैठ जाए पाकिस्तान में तो तब खरीदते हैं लोग जब वो बिलचारी चीखें मार मार के वॉशिंग मशीन हाथ जोड़ के कहती है खुदा दा नाए मेनू बदल लवो बस मेरी हो गई है बस या आपकी काम वाली आके कहती है बाजी मेरे को कपड़े नहीं धुल दे तो मशीन ख़राब है हाथ रही तोड़े मैं मशीन लवो या इन मुल्कों में लोग ये तब लेते हैं जब चेंज करते यहाँ के मुल्कों की ना लोगों की पॉलिसी होती हैं दो साल बाद वो वॉशिंग मशीन नहीं लेना चाहते नया मॉडल आया टीवी नया लेना चाहते हैं एसी नया लगवाना चाहते हैं अगर उनके पास पैसे हैं तो वो चीज़ें क्यों लेते हैं जल्दी तो बदलते क्यों रहते हैं एक फैमिली ऐसी कहती नहीं हम तो दो साल बाद नहीं बदलें क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं लोग ये चीज़ें खरीद खरीदे होते हैं इसका क्या मतलब होता है उनके पास पैसे हैं <laughs> पैसे हैं तो स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक क्या करता है वो चेक करवाता है देखो भला इस दो इन तीन महीनों में ड्यूरेबल गुड्स कितनी बिकी हैं जो लंबे अरसे चलने वाली गाड़ी हो गई आपका एलसीडी घर की आपका कंप्यूटर आपके घर के जूसर चपाती में रोटी बनाने वाली मशीन आटा गूंदने वाली मशीनें भी होती हैं मेरे पास भी है एक ठीक है घर का कोई लैम्प हो गया जो ज़्यादा अरसे चलने वाला है मोटरसाइकिल ड्यूरेबल गुड्स में आती है ठीक है जी मैनुफैक्चरिंग में आती है ना मोटरसाइकिल ले ली है किसी छोटे भाई ने कहा मैं कॉलेज से जाना मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल ना कॉलेज मोटरसाइकिल पर जाना तो ड्यूरेबल गुड्स चेक सेंट्रल बैंक चेक कराता है भाई सेंट्रल बैंक कहता है जाओ जाओ चेक करो ड्यूरेबल गुड्स कितनी परसेंट बढ़ी हैं पहले एक बंदा रिपोर्ट लेके आया पहले 200 200 की एवरेज आ रही थी ड्यूरेबल गुड्स 200 सौ पाउंड की बिकती थी अब उसमें इंक्रीज़ आया 300 तो सेंट्रल बैंक के कान खड़े हो जाएंगे वो तेरी खैर इन्होंने ड्यूरेबल गुड्स ख़रीदी हैं मैं इसके आगे उर्दू में भी लिख देता हूँ लंबा अरसा चलने वाली चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे भाइयों को जिसको कम्युनिकेशन इशू है ना इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई है सबको सबको आसानी रहे मैं तो टूट भज करके सीख ही ली है वो कहते हैं वो यार ड्यूरेबल गुड्स की तो प्राइस परसेंटेज बढ़ गई है अब क्या होगा अब ये होगा कि लोगों के पास पैसे हैं उन्होंने अन्नी बचा देनी जब मार्केट में अभी फजूल आई पैड ले रहे हैं मैकबुक ले रहे हैं फ़ोन ले रहे हैं ओप्पो खरीद रहे हैं टोपो ख़रीद रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं पैसे है ना अब पावे हलाल की कमाई पावे हराम की वो तो दूसरा टॉपिक है पैसे हैं तो क्या होगा उन चीज़ों की अशिया की कीमत बढ़ जाएगी बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी महंगाई हो रही है महंगाई को कंट्रोल करना हमने तैयारी पढ़ो तीन महीने बाद कुछ ना कुछ करना पाना मोरिट्री पॉलिसी के अंदर ये वाला पॉइंट भी ऐड करो कि ड्यूरेबल गुड्स बढ़ी है हम इंटरेस्ट रेट को देख रहे हैं कैसा दिया हो गया क्लियर है पॉइंट छोटा सा पॉइंट बिल्कुल आराम रूम से आपके दिमाग में उतारने की कोशिश की गई है ड्यूरेबल गुड्स आपको अगर समझ आ गई है तो आप मुझे बता दें। एक मिनट दे रहा हूं अगर आपने कोई सवाल पूछना ये ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए मोटी मोटी घर ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की चीजें नहीं है एक बार हम खरीदते हैं साल दो साल में बच्चों की साइकिल भी हो सकती है उसमें कुछ भी हो सकता है और इनकी ड्यूरेबल गुड्स की अगर परसेंटेज बढ़ जाए सेंट्रल बैंक को समझ आ जाती है कि यार लोगों ने खरीदो फरोख़्त बहुत किया क्या हुआ ख़रीदो फरोख करने से की वजह से पता लगा कि भाई यार इन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदी खरीदी हैं उससे क्या होगा उससे ज़ाहिर है महंगाई होगी महंगाई होगी तो फिर वही सारा प्रोसेस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मुद्दा सारा आके इंटरेस्ट रेट पर रुकना है इसलिए इंटरेस्ट रेट और जो न्यूज़ है ना अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोज़गारी और रोज़गारी की न्यूज़ सबसे बड़ी न्यूज़ होती है अच्छा जी ये मेरा खिला पॉइंट बहुत ही इजी पॉइंट था सबसे इजी पॉइंटों में पॉइंट हैं ये पांच पॉइंट हमें वैसे न्यूज़ के अंदर नजर आता होता था हम कहते थे पता नहीं क्या हवा है न्यूज़ उससे भी पूछ उससे भी पूछ मेरा ख्या ये पॉइंट आ गया होगा समझ में देख लेता हूँ आप लोगों में से किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ जबरदस्त हो गया अब जो एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट है ना उसको कहते हैं पी एम आई परचेज मैनेजर इंडेक्स ये क्या चीज होती है ये एक ऐसी बला चीज़ है कि जो जो कंपनियां उस मुल्क में बिजनेस कर रही हैं ना सीमेंट बनाने वाली कंपनी पेंट बनाने वाली कंपनियां फ्रिज बनाने वाली कंपनियां कोकोमो आपका जो है कोकोमो ये बनाने वाली भी कंपनी हो सकती है चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां शुगर मिलें यानी कि हर वो कंपनी जो उस मुल्क में कुछ बना रही है होंडा रॉयल और पाकिस्तान में कौन सी बाइक होती थी मैं तो होंडाई ला सा रॉयल मेट्रो मेट्रो भी होती थी ना एक मोटरसाइकिल कावासाकी मसा कावासाकी तो बंद हो गई भी है लेकिन कावासाकी लिख ले देते हैं क्योंकि मिसाल के तौर पर कावासाकी वो यूनस फैन गवर्नमेंट भागी भागी ये हमारे मुल्क की कंपनी है मैं इधर की मुल्क की कंपनी को आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो आपको पता नहीं लगता मैं आप लोगों की मिसालों को आसान करने के लिए बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट क्या सेंट्रल बैंक क्या करता है अपने एजेंट्स भेजता या वो वेट करता कोई ऐसी न्यूज़ आए जिसमें पी एम आई की वैल्यू पता लगे इन कंपनियों के पास जाया जाता है और इनसे पूछा जाता है हाँ भाई कैसा तजर्बा कैसा जा रहा है कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है कंपनी का सी होता है उसे नहीं पता होता जो उसके पास एजेंट आए हैं एजेंसी के वो उससे सवाल जो कर रहे हैं वो क्यों है कर रहे हैं तो है, हाँ सुनाओ आगे इस मुल्क के क्या हालात हैं जब पाकिस्तान में कोई कंपनी होगी कहेगी हालात नहीं ठीक हमारे मुल्क के काम ही नहीं बद रहा कूलर बना रहे हैं कूलर बिक ही नहीं रहा वो कहें फिर की करोगे आगे क्या आपका प्लान होगा कहते हमने कूलर बनाना थोड़े कम कर देने क्यों कम किए हैं उन्होंने क्योंकि मार्केट में बिक नहीं रहे समझ आई तो इन कंपनी से इंफॉर्मेशन ली जाती है हाँ बताओ ज़रा हमें कि कैसा चल रहा है कारोबार आगे बढ़ाओगे कारोबार तो वो कहते हैं हाँ बढ़ाएंगे अगर पीएमआई ज़्यादा आता है पचास से पी एम आई पचास आ जाता है ना पचास इसका मतलब है कि मुल्क की जो है वो भी ग्रोथ कर रही हैं और पी एम आई अगर कम रहता है पचास से ये इसका इसका सिग्नल ऐसे मिलता होता है इसकी न्यूज़ ऐसे आती है पी एम आई पचास है इसका मतलब है उन कंपनीज़ को उस मुल्क पे एतबार है और उन्हें लग रहा है कि हमारी आगे फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है बिज़नेस बढ़ने वाला है ये पचास से ऊपर पचास से नीचे है तो उन्हें लगता है कि नहीं अभी हमें थोड़ा सा लिमिट में ही रह के काम करना है क्योंकि मुल्क के लोगों को पैसा नहीं है और वो खर्च नहीं रहे तो इसलिए हम अपनी एक और कंपनी नहीं खोल सकते एक कंपनी होंडा की इस्लामाबाद में थी उन्होंने कहा हाँ अभी दूसरी खोली लाहौर में हाँ हाँ सेल बड़ी अच्छी जा रही लाहौर में भी खोलो ठीक है उससे क्या पता लगा है? कि उसका मतलब उन्होंने होंडा बेची है सही करके टका के बेची होंडा अब यहाँ पर आ सेंट्रल बैंक चेक करता है अगर पी एम से ऊपर आया तो उसे पता लग जाता है के जो कंपनीज़ हैं उनका बड़ा कॉन्फिडेंस है उस मुल्क के अंदर कि वाकई यार काम शाम सेट जा रहा है अगर काम शाम उनका सेट जा रहा है तो इसका मतलब उनका माल बिक रहा है भावें वो शुगर मिल है भावे पक्खा बनाने की कंपनी है भावें परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है भावे टी बनाने वाली कंपनी बच्चों के कॉट हैं तकी हैं रुई है फटे हैं सीढ़ियाँ हैं कुछ भी है तो वो जब चीज़ें बिक रही हैं वो कंपनी ज़्यादा चीज़ें बना रही है वो क्यों बना रही है उसको पता है उसने चेक किया है कि मार्केट में बिक रहा है भाई काम बनाओ बना रहे हैं इसलिए क्योंकि लोग पैसा खर्च रहे हैं पैसा खर्चते हैं तो क्या होता है इन्फ्लेशन महंगाई महंगाई होती है तो क्या होता है सेंट्रल बैंक के कान खड़े होते हैं सेंट्रल बैंक के कान खड़े होते हैं सेंट्रल बेंक, सेंट्रल बैंक मीटिंग बुला लेता है था। थड़ा मीटिंग में वो फैसला करता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या कम रखना हो गया क्लियर क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दें भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पेचीदा पॉइंट था इसलिए मैंने कहा आपको जरा राधे भैया की फ़िलासफ़ी से समझा दूँ और जो होता है ना पी ये एक लैगिंग इंडिकेटर ये वाले जो न्यूज़ होती है ना ये पी की न्यूज़ ये लैगिंग न्यूज़ होती है ये कम अज़ कम छः महीने पहले वो चेक कर लेते हैं छः से आठ महीने तक का टाइम होता है इसको आठ महीने पहले वाली इंफॉर्मेशन ज़्यादा वैलिड होती है इसकी इसको ना देखते हैं कि अगले आठ महीनों में कैसे फ़र्क पड़ने वाला जो एवरेज अर्निंग्स वगैरह सॉरी जो पी एम आई होता है ना वो लीडिंग इंडिकेटर होता है जैसे हमारे टेक्निकल में भी लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर होता है आगे का फ्यूचर का बता देता है ये फ्यूचर में क्या होने वाला क्योंकि कंपनी फ्यूचर को देख के बताती है ना हाँ अभी हमने एक और कंपनी खोलनी है कि नहीं खोलनी इंडेक्स पी एम आई इंडेक्स सही चल रहा है हमारा तो हमने कंपनी नहीं खोलनी अगर नहीं खोलनी तो वो बराबर कर देंगे नहीं नहीं अभी अभी वो वक्त नहीं आया कि हम एक और कंपनी खोलनी अभी लोगों ने उतनी खरीदारी शुरू नहीं की हमारा माल उतना नहीं बिकना शुरू हुआ तो सारी कंपनियों का डाटा इकट्ठा करके एवरेज निकालते हैं ठीक है जो तीन हमने इंडिकेटर पहले पढ़े ना एवरेज अर्निंग्स रिटेल सेल्स और ड्यूरेबल गुड्स ये जो है ना आप हमारी ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं और आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनका असरात हल्के ऑलरेडी मार्केट में हो, 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 हो चुके होते हैं तो सेंट्रल बैंक को जल्दी स्टेप लेना होता है इनका इस वाली जो हमारी न्यूज़ है ना ये वाली पी एम आई परचेज मैनेजर इंडेक्स इसके अंदर सेंट्रल बैंक को पता लग रहा होता है कि आने वाले छह मुल्कों महीनों में क्या होना पहले पता लग जाता है मेरा ख़्याल है यहाँ तक हम क्लियर हो चुके हैं और अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैंने उसको उर्दू में इसलिए बहुत आसान करके बताया ताकि आपको मोटी मोटी चीज़ें पता लग जाए कोई बंदा नहीं भी पढ़ा हुआ ना कॉमर्स वगैरह उसको भी पता लग जाएगा एक आप लोग सुनते होते थे एक चीज़ आती होती थी ये यह यहाँ तक तो क्लियर है ना सारे हाउसिंग डेटा आता था हाउसिंग डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इसके हाउसिंग डेटा के ऊपर इमरान खान पर बड़ी तनकीदें हुई हैं जब वो कहता था ना हमने पचास लाख नौकरियाँ निकालनी हमारी जाहिलवा उस पर तनकीदें करती थी लेकिन वो जो कहना चाहता था वो किसी को समझ नहीं आया आज तक बहुत जाहिर लोग हैं हमारे मुल्क के वो कहता था कि हम कंस्ट्रक्शन लेवल को इतना हाई लेके जाएंगे कि उसमें नौकरियां निकलेंगी सिविल इंजीनियर्स की नौकरियां उसमें निकलती हैं टेक्निकल्स की निकलती हैं इलेक्ट्रिशियंस की निकलती हैं और वाकई उसने 50 लाख नौकरियां देनी थी क्योंकि वो हाउसिंग डेटा हाउसिंग पूरे किसी भी मुल्क के अंदर तो जब तरक्की हो रही होती ना तो उसके हाउसिंग डेटा पर डिपेंड कर रहा होता है कि घर कितने बन रहे हैं अब कोई घर कब बनाएगा <laughs> सवाल आ गया हाउसिंग डेटा का मतलब है कि मुल्क में तीन किस्म के घर बिके हैं एक नए घर बने हैं यानी कि प्लाट के ऊपर घर बनाया गया दूसरा बिके हाउसिंग स्टार्ट्स बने हुए घर जो पहले मतलब कोई कोई रहता था उसमें वो बेच के गया है तीसरा मोडगेज मोडगेज पाकिस्तान में नहीं होती इन मुल्कों में होती है मोडगेज किस्तों पे लेते हैं घर जैसे हमारी किस्तों में पाकिस्तान में फोन नहीं लेते मोटरसाइकिलें लेते हैं ये तीन किस्म के घर होते हैं न्यू होम्स कितने बने हैं सेंट्रल बैंक को ये इंटरेस्ट होगा छः महीने में तीन महीने में नए घर कितने बने हैं बने हुए घर जो पुराने लोगों ने अपने बेचे हैं घर वो कितने बिके हैं और मोड़गेज पे कितने लोगों ने बैंक के घर लिए किस्तों पे कितने घर लिए हैं अब घर कोई को क्यों लेगा क्योंकि उसके पास पैसे हैं इसका मतलब है अगर नए घर बने अगर नए घर बनाए गए हैं तो इसका मतलब है वाह वही पैसे है यानी कि मजदूर को भी पैसा मिला है इलेक्ट्रिशियन को भी पैसा मिला सिविल इंजीनियर को भी पैसा मिला सीमेंट फैक्ट्री का भी पैसा सीमेंट का सीमेंट बिका है वो भी सेल हुई है सरिया लगा है पेंट लगा है बत्ती लगी है इलेक्ट्रिसिटी का सामान बिका उस घर में फर्नीचर आया होगा उस घर में ड्यूरेबल गुड्स आई होंगी तो सेंट्रल बैंक की नज़र होगी इन तीनों डेटास के ऊपर हाउसिंग डेटा अगर ओवरऑल अच्छा जा रहा है इसका मतलब है वो मुल्क तरक्की कर रहा है मुल्क तरक्की कर रहा है अगर हाउसिंग डेटा कम है तो सेंट्रल बैंक को इतनी फिक्र की जरूरत नहीं वो मॉनिटरी पॉलिसी में अपने पॉइंट जरूर रखेगा और वो बताएगा कि भई इतना को ज़्यादा काम नहीं वदा अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे महंगाई तब भी होगी ना जब ये हाउसिंग डेटा हाँ अब तरक्की हो रही है क्यों क्योंकि न्यू हाउस बने हैं हाउट हाउसिंग स्टार्ट्स अच्छे आ रहे हैं मोड़ गेज पर लोगों ने घर लिए हैं किस्तों में घर लिए हैं और इसमें किराए के भी घर इन्वॉल्व होते हैं लेकिन किराए के घरों का इतना मैटर वो नहीं इंपॉर्टेंस नहीं देते अब एक घर एक मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो रही हैं आप और मैं मुँह उठा के चलेंगे घर बनाने के लिए क्यों गए हमारे पैसे पचास साठ लाख तो होगा ना कहाँ से आया हमने पैसा लगाना अब हमने पूरा घर बनाना है उसमें क्या क्या चीज़ नहीं आनी पहले उसका मजदूर राज मिस्त्री लगेगा पेंट लगेगा उस पर सीमेंट आएगा रेत आएगी बजरी आएगी सरिया आएगा ठीक है उसके अलावा वो रेड़ी रूडी खरीदना लकड़ी की वो सीढ़ियाँ खरीदनी ठीक है जी फिर एक वो इंजीनियर आता है वो आपको पमाइश करके बताता हैं कितने सूत्र आपकी दीवार ऊपर नीचे है खिड़कियाँ लगनी घर की लोहा यूज़ होगा पंखे लगेंगे फिर जब हम घर में मूव करने पंखे शीशे इलेक्ट्रिसिटी सारा कुछ लग रहा है एक घर कितना पैसा बाहर जनरेट कर रहा है कितने लोगों का रिस्क चल रहा है उनसे सेंट्रल बैंक का, का काम होता है ये देखना हाउसिंग इंडेक्स अगर पॉजिटिव है तो एक बात याद रखो मुल्क तरक्की कर रहा है मुल्क तरक्की कर रहा है लोगों के पास पैसा लोगों के पास पैसा है तो महंगाई होगी महंगाई होगी तो इंटरेस्ट रेट पर इफेक्ट आएगा और जो थोड़ा मीटिंग होगी मॉनिटरी पॉलिसी में उसके बारे में बात की जाएगी ठीक हो गया समझ आ गई मेरा खाल यहाँ तक समझ आ गया होगा अब एक यहाँ तक समझ आ गया तो ठीक है नहीं तो सवाल पूछो दस दौ गए हो मेरे अंगू। इन सारी न्यूज़ का कनेक्शन है इंट्रस्टेड के साथ पता नहीं मेरा इंटरनेट चला गया रिप्लाई नहीं कर रहे हो सो गए हैं भाई फुल टाइम सो गए रहो। क्लियर हो गया रिफत का मैसेज आ गया क्लियर हो गया ये एक बड़ी अजीब सी पेचीदा किस्म की न्यूज़ है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसकी मिसाल ऐसे है कि चीनी बनाने वाली कंपनियाँ या कोई भी कंपनी है कोई भी कंपनी है मिसाल के तौर पे शुगर चीनी बनाने वाली कंपनी है चीनी बनाने वाली कंपनी वो चीनी कैसे बनाती है गन्ना खरीदती है फिर आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें मीठा वगैरह थोड़ा मतलब कलर कुलर कलर ख़रीदती है कलर डालना होता है इसी तरह पंखा बनाने वाली कंपनी है पंखा बनाने वाली कंपनी वो लोहा खरीदेगी पहले थोड़ा सा स्क्रैप खरीदेगी ना उससे लोहा वो मेल्ट होकर पंखे की डिज़ाइन बनेगा एलुमिनियम की तारें अगर डलती हैं उसमें वो पंखे की बॉडी अंदर वो वायरिंग करने के लिए वायरिंग के लिए वो खरीदेगी और सीमेंट बनाने वाली कंपनी थोड़ी सी रेत खरीदेगी थोड़े से केमिकल्स ख़रीदेगी ठीक है रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल ख़रीदती है और कोई आसान कंपनी होंडा मिसाल के तौर पे होंडा होंडा ने मोटरसाइकिल बनानी है बनाने के लिए वो टायर ख़रीदेगी टायर भी चाहिए होंगे उसे टायर ख़रीदेगी इंजन के पैसे एक एंजन बनाने वाली कंपनी अलग होती हैं कभी कभार इंजन हो गई वायरिंग हो गई मोटरसाइकिल की फिर आ, आ, पेट्रोल की टंकी जिस मटेरियल से बनती है लोहा पेट्रोल की टंकी के लिए लोहा वो टोटल लोहा कितना डला है सीटें ठीक है सीटों का फॉर्म कितने का आया वो जो थोक में चीज़ें लेते हैं ना जिस चीज़ों को वो यूज़ करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं ठीक है उन चीज़ों की कीमतों के अंदर कोई बढ़ाव या उतार आया है कि नहीं अब इसकी मसाल ये है कि रिफत को मैंने कहा रिफत यार चिकन कढ़ाई बना दो बेटे रिफत एक चिकन कढ़ाई बना दे, तनी नहीं रिफत में से बड़ी हो शायद मुझे याद नहीं आ रहा हाँ रिफत सॉरी रिफ़त आंटी रफत एक रिफ़त एक चिकन कढ़ाई बना दें रिफत ने क्या किया रिफ़त बाज़ार गई उसने एक मुर्गी ली एक मुर्गी पकड़ी वहाँ से जब कराई वो मुर्गी आ गई सौ रुपये की मसाल के तौर तो। पर सॉरी यार अगर प्राइस ज़्यादा है मैं ग्यारह साल बारह साल में मुर्गी यहाँ पर देखी पाकिस्तान में जा कर नहीं ख़रीदी ठीक है उसने एक शान का चट मसाला ले लिया मसाला वो आया पचास रुपये तीस रुपये का फिर उसने कहा खड़ा मसाला लेना मैंने थोड़ा सा वो भी डालना है टोटल खड़ा मसाला उससे दस रुपये का पड़ा फिर उसने कहा कि ओनियंस यानी कि आपके प्याज दो रुपए के आ गए फिर उसने कहा कि नमक आ गया नमक भी डाला उसने एक रुपए का डाल दिया नमक तो आग भी जलाई उसने आग जो गैस लगी गैस पे उसके दो रुपए लग गए गैस पे ठीक है जी दो रुपए लग गए और टोटल उसने मुझे कहा सर जी मैंने चूँकि आपके लिए कढ़ाई बनाई थी मैंने आपको कढ़ाई के चार्जेस जो डालने हैं ना वो आठ रुपये डालने क्योंकि मेरा टाइम लगा मैंने बच्चों को छोड़ के तो आपके लिए कढ़ाई बनाई है तो टोटल टोटल मिसाल के तौर पर मैं टोटल करता हूँ एक सौ तीस एक सौ चालीस एक सौ बयालीस एक सौ तैतालीस तो चवालीस पैंतालीस दे आठ मिसाल के तौर पर एक सौ पचपन रुपये की हमारी एक कढ़ाई एक किलो कढ़ाई रेडी हो गई है एक किलो कढ़ाई रेडी हो गई ठीक है जी इसी तरह हर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना कुछ इकट्ठा करती है उसके बाद वो बना के आइटम हमारे सामने होंडा की जो हमारी मोटरसाइकिल खड़ी होती है ब्रांड नहीं हो वो कैसे खड़ी हो जाती है आगे उसके पीछे पता नहीं क्या क्या, क्या किया होता है उन्होंने लोगों के हाथ सड़े होते हैं लोगों के ऊपर तनख्वाहें मिली होती हैं लेबर को पैसा मिला होता है सर्विस हुई होती है जो है ना आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वो कोई भी फैक्ट्री के अंदर जो आइटम बनता है ना उस आइटम को लगाने के लिए जो थोक का माल खरीदा जाता है ना उस पर किया हुआ सर्वे होता है कि पता लगे वो जो रॉ मटेरियल उस कंपनी को मिला था उसके अंदर प्राइसेस बढ़ी हैं अगर उसमें प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो कंपनी भी प्राइस बढ़ा देगी बढ़ाएगी ना प्राइस जाहिर है वो कहेगी पेट्रोल अब देखो पेट्रोल की मिसाल सबसे बड़ी पेट्रोल महंगा हो गया सब्जी वाले से लेके कर होंडा बनाने वाली मोटरसाइकिल तक हर बंदा कहता पेट्रोल महंगा हो गया सर जी रेट बढ़ गए हैं रिक्शे वाला कहता साढ़ किराया बधाओ पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल भी रॉ मटेरियल है पेट्रोल महंगा वो ये चीज़ें जो रॉ मटेरियल होता है यानी कि होल सेल में जो मा, माल खरीदा जाता है जिसको आप उन्होंने बना बनू के पेश करना है आगे एक प्रोडक्ट बनानी है वो माल जो उन्होंने ख़रीदा उसकी प्राइसेस अगर बढ़ी हैं तो वो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपनी प्राइस होंडा की प्राइस चली जाएगी ऊपर सत्तर की थी नब्बे की चली जाएगी ऐसे ही है तो वो ये देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ा बढ़ाई हैं कंपनी ने अगर प्राइसेस बढ़ाई हैं तो वो प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा महंगाई आ जाएगी तो उनकी नज़र इस पॉइंट के भी ऊपर होती है और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नाम है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसके ऊपर भी आप लोगों ने नजर रखनी होती है आ गया समझ के पॉइंट अभी बहुत अर्ली सवाल है सामा आपका अभी जब प्रैक्टिकल में आएंगे तब तो आप पूछेंगे कि इफेक्ट कब तक होगा इसका अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वाकई फंडामेंटल से कैसे इस्तेमाल करके आपने टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेड करनी है ये वो नहीं है कि फुद्दू आठ अस्सी आठ मिनट की न्यूज आई उसने चीर फाड़ कर दिया आप लोगों ने दे दड़ाधड़ अकाउंट या उड़ गया या नीचे आ गया या आपको पैसे मिल गए या अकाउंट उड़ गया ऐसा नहीं कुछ होगा ये एक प्रॉपर प्रॉपर मही, मह, महीने के तौर पर ट्रेड ली जाएगी यहां तो हो गया क्लियर हमारा ऑलमोस्ट ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला बस आखिरी रह गया पॉइंट ओ आ दस दे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं ये हमने सारी न्यूज जो हमारी न्यूज आती रहती है ना जो आप कहते रहते हैं सर जी इंपॉर्टेंट है नहीं है इंपॉर्टेंट है नहीं है नहीं है ये, ये सारी पढ़ा दी है ये सारी मिलके एक बड़ी न्यूज बनाती है इंटरेस्ट रेट वाली या अनएंप्लायमेंट वाली आखिरी एक न्यूज़ है बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आसान लफ्ज़ों में कि हुकूमत के पास पैसा कितना गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा तो इमरान खान की तरह पेट्रोल सस्ता करेंगे गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वह शबाजश की तरह पैसे बढ़ा देंगे अगर सच्ची गवर्नमेंट होगी तो सब्सिडी देना जो होता है ना वो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहती है तीन रुपए का फ्यूल दस रुपए का है मैं नहीं चाहती मेरी इवाम पे पैसे पड़े हैं अवाम तुम तीन देना साथ हम पल्ले से डालेंगे जो हम लोग टैक्स वगैरह इकट्ठा करते हैं साथ से डाल के फिर चलो दस रुपए का फ्यूल हो जाएगा गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होगा वो उस मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है उसकी तरक्की के लिए जी डी पी किसी मुल्क का अगर बढ़ जाए जी डी पी की जो ग्रोथ है वो मिसाल के तौर पर छः सौ का था जी बी जी डी पी ठीक है जी एक मुल्क अमेरिका का यू एस ए का जी आया जी छः और पहले पिछले महीने का था और इस बार 800 सौ आया इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका के पास पैसा बढ़ा अमेरिका की गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ा है और पैसा बढ़ने का मतलब है तरक्की हुई है सीधी सीधी करेंसी ऊपर जानी है सीधी सीधी एक्साइटमेंट में ही ऊपर चली जानी है ठीक है जी यहाँ तक तो हम पहुँच गए ये हमारे कम्प्लीट फंडामेंटल इम्पोर्टेंट तरीन न्यूज़ का एनालिसिस के ऊपर लेक्चर थे इसमें कोई भी पॉइंट रह गया अब हमने इसकी थोड़ी मैं जो मैं थोड़े दिन की ब्रेक के बाद इसके ऊपर वो सर्च मारना शुरू करेंगे आप लोग ग्रुप में जारी हो जाएँ जारी हो सारी हो जाएँ अपना पुरानी न्यूज़ें खोल के देखें उनके अफेक्ट देखें कैसे पड़े हैं उन पर तजर्बे करना शुरू करें और अभी अगला लेक्चर एक होगा इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अगले तवार को तो मेरा मैच है अगर मेरे को मैं मैच खेलने की बारिश ना हुई तो मैं एक लेक्चर दोबारा अनाउंस करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कौन से न्यूज़ के टाइम पे किस टेक्निकल को कैसे खेलना है टेक्निकल को अपने काबू कैसे करना है मैं ये लेक्चर कैंड में फिर बता दूं कि कोई व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर ले अगर किसी ने नहीं देखा आज तक या मुझे ही कर ले मैं जम का नंबर किधर गया यार लेक्चर के शुरू में मैंने नंबर दिया था आप उसमें से किसी नंबर पे मैसेज कर लें सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो ये फैक्टर्स स्टेट सेंट्रल बैंक उस मुल्क का देखता है इन फैक्टर्स को और उसके बाद डिसाइड करता है कि उसने मोनिट्री पॉलिसी बनानी अब मॉनिटरी पॉलिसी बनानी है मोनिट्री पॉलिसी जब बन रही होती है ना मिनट्स जो होते हैं वो जो एक घंटे की मीटिंग हो रही होती है उसमें वो क्या डिस्कस कर रहे होते हैं ये जो हमने इतनी लंबी बकवास है ना कि पी एम आई कितना आया रिटेल्स कितनी है अब होता क्या पी एम आई पी एम आई अच्छा आया अब एक बड़े मज़े की बात सुन लो पी एम आई अच्छा आ गया मिसाल के तौर तो पर तो वो अंदर कहेंगे हाँ अभी पी एम आई स्पीच में कह रहा होगा पी एम आई बहुत अच्छा था बहुत अच्छा लगा मुल्क की तरक्की हो रही है वहां से उस करेंसी जिस करेंसी का सेंट्रल बैंक वाला भौंक रहा होगा ना वो करेंसी मिसाल के तौर पर यूएसए युए, का यूएस डॉलर का बोल रहा है उस वक्त वो आपने देखा ना कि सर जी मार्केट ऊपर नीचे हो रही तबाही तो फेर रही है वो मार्केट ऊपर जा रही होगी साथ ही कहेगा लेकिन रिटेल सेल्स कम आ गई हैं साथ ही मार्केट नीचे कड़ाक रिटेल सेल्स कम आ गई हैं और हम हमें पता लगा है लोगों ने खरीदो फरोख में जो लोग एक अंडा खा रहे थे उन्होंने अंडा खाना छोड़ दिया है ठीक है करते कराते साथ ही वो कहता है लेकिन हमारा जी डी भी बड़ा अच्छा जा रहा है साथ ही मार्केट डाज ऊपर हो गई जी डी भी बहुत अच्छा जा रहा है ये होती है मिक्सड मिक्स, मिक्स न्यूज़ मोनिट्री पॉलिसी के दौरान इसलिए सिर्फ उनकी मोनिट्री पॉलिसी को वेट करना चाहिए एंड में जब वो मोनिट्री पॉलिसी के एंड में एक फैसला देते हैं फैड्स हो गए या दूसरे मुल्कों के हो गए वो फैसला देते हैं कि ओवरऑल हम लोग तरक्की कर रहे हैं बस यही सुनना होता है करेंसी ऊपर और या फिर वो अपनी मॉनिटरी की पॉलिसी में एक हिंट दे देते हैं कि हो सकता है कि हम अगले महीने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें क्योंकि लोगों ने बहुत अन्नी मचाई हुई है पैसा मार्केट में पागलों की तरह फेंक रहे हैं जिसकी वजह से हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट बढ़ना लगा तो वो करेंसी उनकी अगर नीचे जा रही थी वो रुक जाएगी उस दिन जब वो इंटरेस्ट रेट वाली न्यूज़ आएगी फिर ये उन्होंने अभी अपनी मोनिटरी पॉलिसी में हल्का सा बताया होता है कि हम शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें शायद लेकिन उसी से अफेक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं अब आपको सारी चीर चीरपाड़ समझ आ गई मार्केट जो आप लोगों के साथ करती रही है तो इन ज़रूर इस पर जल्दी प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आप लोग अपनी भी सर्च करें थोड़ा सा इस लेक्चर को दुब... दो लेक्चर्स हमने दिए दोनों लेक्चर को दोबारा सुने अगर मुझे और कोई नई चीज़ें समझ आएंगी कि मैंने नहीं बताई तो मैं दोबारा एक लेक्चर और करा सकता हूँ नहीं तो प्रैक्टिकल के लिए हमने न्यूज़ को देखना ही है अल्लाह हाफिज़